हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत की क्लास है, हमारे 25 नंबर का पेपर है और अच्छा है, हो जाएगा, बहुत परेशान नहीं होना। फर्स्ट में भी हो गया, थर्ड में तो हो ही जाएगा। क्या पढ़ना है, क्या देखना है, ये टॉपिक आपको दिख रहा है कि हम लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इसके पहले की क्लास में वचन के बारे में बताया था, आपको मैंने संस्कृत की गिनतियाँ भी बता दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आपको सिलेबस से मैं टॉपिक को पिक करूँगी और उस टॉपिक को रैंडमली आपको मैं एक एक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में दिए वो करवाने का टारगेट है। इससे और चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है? इस वक्त चलते हैं, फिर बढ़ते हैं अपनी क्लास में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। मतलब जैसे क्वेश्चन बनता है सिंपल तरीके से वैसे ही आएगा, आपको बहुत हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर परेशान नहीं होना। लिख कर आना, कुछ नहीं होगा, सारे अच्छे हो जाएंगे, ईजी रहता है। बस ये है कि गलत वर्तनी का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? चलो फिर फटाफट देखते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। थोड़ी बड़ी आवाज़ें हैं, थोड़ा सा वर्क हो रहा है जिसकी वजह से है। फिलहाल के लिए कोशिश रहती है कि ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये है लिंग। लिंग की एक सामान्य सी परिभाषा, जो कि हम लिंग को हिंदी ग्रामर में जानकर आए हुए हैं। एक बेसिक सी परिभाषा आपको पूछी जाती है, लिंग क्या है, लिंग क्या होता है, आप लिंग से क्या समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जिस शब्द से, अतः जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। कोई भी कोई शब्द दिया है, हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शब्द की बात हो रही है, कि वो शब्द होगा, ना कि कोई वाक्य पदबंध वाक्यांश ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक शब्द होगा। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है, कि जहाँ पर आपको स्त्री या पुरुष जाति होने का भाव दिख रहा है, बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कि आपका बालकः, ठीक, आपका चटकाह यानी कि चिड़िया, आपका फलम, ये सब क्या है, ये सारे के सारे लिंग हैं, ठीक है? जैसे आपको एक में पुल्लिंग पता चल रहा है, एक में आपको स्त्रीलिंग पता चल रहा है, एक में आपको नपुंसक लिंग पता चल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसा प्रश्न बना आया तो सिंपल सी परिभाषा लिख दो और उदाहरण भी ऐसे ही कर लिख दो, बस यही उदाहरण ब्लैक पेन से अलग कर देना, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, तो कह सकते हैं आप कि लिंग के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पुल्लिंग के बारे में क्या है, हिंदी रामायण तो बहुत बार पढ़ते हैं और इस बार भी पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में है। वे शब्द जिनमें शब्द ध्यान रखना, वाक्य कभी भी वहाँ पर बिल्कुल भी मत लिख देना। वे शब्द जिनमें पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। वे शब्द जिनमें पुरुष जाति प्रतीत होती है, शब्द से लगता है कि पुरुष की बात हो रही है या पुरुष चीज़ें हैं, तो वो पुल्लिंग कही जाती है। जैसे बालका तो क्या है, लड़का है, पुल्लिंग है। गजा यानी कि हाथी, मयूरा यानी कि मोर, अश्व यानी कि घोड़ा, काका यानी कि कौवा, तो बालक, हरि, भान, पित्र, लही, ये सब क्या है, सह, ये सब क्या है, सारे के सारे पुल्लिंग है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शाह है, सा के बगल जो बिंदी लगी रहती है ये पुल्लिंग में, अगर यही सा के बगल बड़े आ की मात्रा लगी तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये मैंने क्लास में आपको बताया है, कई बार बताया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये आपका बालका, ये आपका गजा, ये मयूरा, अश्वा, काका, बालक, हरि, भान, पित्र, लहिशा, ये सब के सब क्या हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में हैं। तो आपको परिभाषा लिखनी है और एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है। आगे बढ़िए, तो एक पुल्लिंग की पहचान की एक छोटी सी लाइन है। पुल्लिंग की पहचान आप करोगे कैसे, बहुत सारे आपको वचन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अन प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें अन प्रत्यय का प्रयोग करके उनको निर्मित किया गया होता है या वो उससे बने होते हैं, तो वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वह प्रायः पुल्लिंग होता है जो अन प्रत्यय से मिलकर बना होता है, यानी कि आत्मन, मात्रन, राजन, ये सब के सब क्या हैं, पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, मत कंफ्यूज हो जाएगा, ये चीज़ें क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपवाद में भी आती हैं, जो कि हम अपवाद ना मान के कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, कहते ये कैसे हो सकता है। आगे बढ़िए, स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, बालिका, बालिका और अजा, ठीक है? स्त्रीलिंग शब्दों में बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, पुल्लिंग में ज़्यादा होता है। इसलिए देखिए, जैसे आपको हिंदी में लिखा रहता है नॉर्मल, वैसे आपको ये भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? अब इनके नियम है, एक तो वो जानते हैं। तो स्त्रीलिंग याद करने के कुछ नियम है। जैसे पहला नियम क्या है, नियम में ये बताएं कैसे आएंगी, आपको पहचानने को आएंगी, लिंग की परिभाषा आएगी, आपको और भी जो टॉपिक दिए हैं उनके परिभाषा और उनके उदाहरण लिखने को आएंगे। तो कह रहा है कि बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ आदि से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं।
फिर से पढ़िए और फिर से देखिए कि क्या कहा जा रहा है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीनों आदि से समाप्त होने वाले शब्द, जिनसे ये समाज से शब्द जो इनसे समाप्त हो रहे हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कन्या, जैसे अजा, जैसे विद्या, जैसे लता, जैसे राम, जैसे माला, लक्ष्मी, नदी, गौरी, देवी, तरह यानी कि नाव, वधु, तनु, तो ये सब क्या है आदि, ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप इसमें क्या देखें कि आपने देखो इसमें लास्ट में क्या है, बड़ा 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 बड़ा, बड़ी 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 बड़ी, बड़ाऊ बड़ाऊ बड़ा, तो यही बात तो कही गई है यहाँ पर आपको, क्या कुछ और कहा गया जी? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आपको दिया है तो आप पहचान के तौर पर इस नियम को जान के आप चीज़ों को वहाँ पर पहचान सकते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है कि इन शब्दों में से सारे शब्दों में से पुल्लिंग का कौन सा, सारे शब्दों में से स्त्रीलिंग का कौन सा आता है छांटने के लिए ना, कि जहाँ 5, 6, 7, 8 शब्द दिए रहते हैं कुछ उसी तरीके से। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको ये चीज़ें फिर से मतलब एक प्रकार से जो भी टॉपिक्स नहीं था मैं सोची थी कि इस बार से क्वेश्चन करवाऊँगी, लेकिन अभी इस एग्ज़ाम में टाइम है तो इससे अच्छा है कि मैं एक बार मेहनत आप लोग के कहने पर कर रही हूँ कि वो चीज़ें आपके करवा दूँ और आपका ये भी पेपर, ये सेशन अच्छा रहे आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ पर क्या है कि तिथिवाचक शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रतिप्रदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, ये तिथियाँ होती हैं ना, ये तिथि है तो ये शब्द जो भी हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तिथिवाचक जो शब्द होते हैं वो हमारे के सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्री का जो शब्द दिया गया इसका जो और भी शब्द होता है वो सबका शब्द जो है स्त्रीलिंग में आता है। जैसे अबला, ठीक, क्या अबला, कांता, नारी, महिला, ललना, वनीता और वामा, ये सब क्या है जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना कि एक शब्द के ढेर सारे शब्द होते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आपको दिया गया है। स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं चौथा, विंशति से लेकर नवति तक संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिंग जैसे होते हैं। जैसे आपको विंशति, आपने 19 की गिनती पढ़ी हुई है, विंशत, त्रिंशत, चतवारिंशत, पंचाशा, सप्त, सप्तति, नवति, तो ये विंशति से लेकर नवति तक, भूलिएगा नहीं ये है और आपके उसमें आता है आपको, तो आपको गिनती लिखने को आएगा और वहाँ पर ये है। तो अगर मान लीजिए पहचान में आए कि कौन सा पुल्लिंग है या निम्नलिखित में से दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है, तो छांटने के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्लास पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, क्लियर हो रहा है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है डू इट फास्ट, चलिए फटाफट ईच एंड एवरी वन फटाफट करिए। आगे बढ़े इसी के साथ, नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं तीसरे लिंग की जो कि है नपुंसक लिंग। अब ये क्या है ये जानते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से ना तो किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है और ना ही किसी स्त्री जाति का बोध है, वो नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे फलम, पत्रम, पुस्तकम, क्या फलम स्त्रीलिंग है, क्या फलम पुल्लिंग लिंग है, क्या पत्रम स्त्रीलिंग है, क्या पत्रम पुल्लिंग लिंग है, क्या पुस्तकम पुल्लिंग लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पत्रम, पुस्तकम कुछ भी है, कोई सामान की बात अगर आपको दिख रही है, तो ये सब प्रायः जो होते हैं नपुंसक लिंग होते हैं, जिनसे ऐसे संज्ञा के शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम के ऐसे मिलित रूप मिले सम्मिलित बने हुए शब्द हैं जिनका ना तो किसी स्त्री का कोई बोध निकल रहा है और ना ही किसी पुरुष का भाव प्रतीत हो रहा है, तो उसको हम सामान्यतः नपुंसक लिंग कहते हैं और नपुंसक लिंग में ही उसको डाला जाता है। आगे बढ़िए इसी के साथ, देखिए नियम है कि नपुंसक लिंग ज्ञात करने के ऊपर कुछ नियम है। अब नियम है, पहला नियम यहाँ पर क्या है, फलों, फूलों के नाम नपुंसक लिंग होते हैं। फूलों के नाम पुष्पम, कमलम, जो भी फूलों के नाम हैं, ठीक है, हमको संस्कृत में फिलहाल को नहीं याद है, लेकिन हिंदी में कमल, गेंदा, गुलाब, जो कुछ भी होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो फूलों के नाम हैं, पुष्प के नाम हैं, वो संस्कृत में होते हैं नपुंसक लिंग में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी भूलने का प्रयास नहीं करना है कि क्या है, कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद करके आएंगी, इस बात को बहुत ही क्लियरिटी के साथ चलिए, कोई बुराई नहीं है याद करने में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ सारी नहीं तो वहाँ पर भूल जाओगे क्योंकि सारा क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, फलों के नाम भी नपुंसक लिंग में आते हैं। जो फलों के नाम हैं वो भी आपके नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे आम्रम का आम,
आम का सीजन आ रहा है, देख रहे हैं आप, आ ही चुका है, ठीक है। दाड़िम का अनार, कदली फलम का केला, देख रहे हैं। तो यहाँ पर आम्रम, दाड़िम और कदली फलम, ये क्या है? ये प्रायः नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग। अगर आपको टिक करने को आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में सर टिक करना होगा, लिखने को आएगा लिखना होगा, एग्जामिनर पूछेंगे तो बताना होगा, इसलिए बात ध्यान रखिएगा आप। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड। यदि संख्यावाचक शब्द के अंत में रात शब्द हो तो नपुंसक लिंग होता है। यदि संख्यावाचक शब्द के अंत में रात शब्द हो तो वहाँ पर नपुंसक लिंग होता है, जैसे द्वारात्रम, ठीक है, पंचरात्र, यानी कि दो रात और पांच रातें। तो कोई भी अगर आपको ऐसे संख्यावाची शब्द दिया गया है, ठीक है, संख्यावाची एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, जो भी आपको संख्या का कोई भी शब्द अगर दिया गया है और उसके लास्ट में अगर रात्र का वहाँ पर मतलब आपको प्रत्यय लगा कर कुछ शब्द को शब्द ओवर हो रहा है, शब्द बन रहा है, तो वो हमेशा लिंगों में नपुंसक लिंग कहलाएगा। यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात। चौथा कह रहा है कि क्रिया विशेषण शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, जो कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो उस नपुंसक लिंग शब्द में आते हैं, जैसे कि अश्वशीघ्रम धवति, अश्वशीघ्रम धवति, कक्षपा तीव्रम वदति, रमा मधुरम वचन्ति, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, रमा मधुरम वचन्ति, बोलती है मतलब। तो ये सारे यहाँ पर क्या हैं? आपके नपुंसक लिंग शब्द हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, एक बार पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। हमने आज की इस क्लास में अभी तक की 10 मिनट की जो क्लास हमारी बीत रही है, इस क्लास में हमने लिंग के टॉपिक को लिया और लिंग क्या होती है उस टॉपिक की एक परिभाषा आपके साथ बताई, उसके आपको एक दो उदाहरण बताए। हमेशा उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिख कर आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने लिंग के भेद पर चर्चा की, जिसमें तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग लिंग को पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी और उसके उदाहरण देखा। फिर हम आगे बढ़ गए, नपुंसक लिंग में चल गए, स्त्रीलिंग पढ़ा, स्त्रीलिंग की परिभाषा देखी, स्त्रीलिंग का कुछ नियम था वो देखा, आगे बढ़े नपुंसक लिंग में, सेम काम किया। तो जो आज इस क्लास में मुझे बताना पढ़ाना था वो तो लिंग था। लिंग के बारे में आप हिंदी में तो पहले सब कुछ जानते, कुछ नया यहाँ पर नहीं था, बस थोड़ा सा संस्कृत में कुछ कुछ चीज़ें हैं तो उनको ध्यान रखनी है। और अब जो टॉपिक, एक टॉपिक हम आज और कवर करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है लेकिन कवर करेंगे। जैसे आप देखते हो क्या है, पुरुष के बारे में, तो पुरुष के बारे में बहुत आता है, ठीक है। तो पुरुष के बारे में क्या होता है वो देखते हैं। परिभाषा के तौर पर कह रहा है कि जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखिए, तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मैंने, तुमसे, वह, ये शब्द क्रमशः क्या है? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में आ गए, ठीक है। जो ये मैंने और तुमसे और अब को, अब या वह जो भी यूज़ किया, ये सभी के सभी आपके प्रथम पुरुषवाचक में आ गए। अब देखो इनके बारे में क्या है कि पुरुष के भेद संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तीन प्रकार के लिंग होते हैं, तीन प्रकार के ही पुरुष भी होते हैं। अब यहाँ पर उनमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, वो देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पुरुष की, ठीक है। पहले पुरुष की बात करते हैं, तो इनका उत्तर ज़्यादा पूछा जाए कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष क्या होता है। तो जब हम किसी अन्य के बारे में बातचीत करते हैं तो उसके विषय में जो बात कही जाती है, जिसके विषय में बात कही जाती है, वो प्रथम पुरुष होता है। यानी कि जैसे आप हैं, आपकी कोई दोस्त है उसकी, और आपकी दोनों की कोई एक और दोस्त है, तो जब आप किसी अन्य के बारे में, तो दो लोग, दो लड़कियाँ आपस में बात करें कि तीसरी लड़की के बारे में, तो वो वहाँ पर प्रथम पुरुष में आता है। जब हम किसी अन्य के बारे में बातचीत करते हैं, विषय में बात कर रही होते हैं, तो वो आपको प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब देखो इनके बारे में है कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से ही हम जानते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम अन्य पुरुष के नाम से ही जानते हैं, जो कि सा का, वह होगा, तो का, वो, दोनों, ते का, ये सब, ठीक है। ये आपके तीन यहाँ पर है जो मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है या बातों को सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। जिससे हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, जिससे हम बता रहे हैं, जैसे हम कोई चीज़ बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी साझा कर रहे हैं, वो हमारा मध्यम पुरुष में आता है। जैसे तुम मतलब तू, तुम मतलब तू, युवा मतलब हम दोनों, युवा मतलब तुम सब, ये युष्मत शब्द के रूप में मध्यम पुरुष में आते हैं, ठीक है। तुम युवाम, युवम। आगे बढ़िए नेक्स्ट, चलिए
यहाँ तक क्लियर है? होना ही चाहिए, बेसिक है, सिंपल है, नॉर्मल हमने पढ़ा है हिंदी ग्रामर में, संस्कृत में आया था, रिवीजन के तौर पर देख ले रहे हैं छोटी सी क्लास में। उत्तम पुरुष क्या है? जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वहाँ जो बात करता है वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है, जो बोलता रहता है, जो बात करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। आगे बढ़िए, जैसे अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, युवा मतलब हम सब, आदि अस्मत शब्द हैं। तो युष्मत अस्मत ये सारे शब्द अलग अलग हैं, सबकी मीनिंग अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि आपको चीज़ें बता रहे हैं। आगे बढ़े तो फ्रेंड्स, आपकी आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पुरुष के बारे में बताया, पुरुष क्या होता है, एक छोटी सी आपको परिभाषा बताई, एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, उदाहरण आपको बताया, फिर मैंने कितने कितने प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के बारे में बताया, तीनों के मैंने अलग अलग आपको उदाहरण बताए कि इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास मैं करना चाहती हूँ ओवर, जहाँ पर ये बातें आपको मैंने बताई और सिखाई। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा, नोट्स ले लीजिए। अगर आपने सीरीज से आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाइए, नोट्स बनी हुई, आप नोट्स को लीजिए, जो सब्जेक्ट टफ लग रहा हो उसको ही लीजिए, लेकिन पढ़िए। अब अगर एक महीने में लास्ट में, अगर जुलाई के जून के फर्स्ट वीक में भी डेट आई तो बहुत वक्त नहीं है, तो रिविज़न आप जितना करेंगे, जितना आप सीख पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही सारी अपडेट, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक करना, कैसी रही क्लास उसको ज़रूर बताना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट नई क्लास में, जिसमें बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।